दो तीन टेक लेना पड़ा मुझे ये इंट्रोडक्शन के लिए। अच्छा खैर करो उसको, तो आज भी एक अनबॉक्सिंग हो गया। कई दिनों से थोड़ा अलग टाइप का वीडियो ज़्यादा चल रहा था, मतलब थोड़ा सा ऑटोमोबाइल का वो मैकेनिकल टाइप का इस टाइप का। अभी जैसे अपने हम लोग का टूरिंग वूरिंग का ट्रैवलिंग का समय आ गया, विंटर हो गया, मौसम अच्छा है, अच्छा है नहीं होने वाला है, अभी तक तो बहुत बारिश चल रहा था। तो ये जो आइटम है मैं आपको कॉपी दिखाएगा, चलिए आगे की वीडियो में। स्पेशली हम राइडर्स के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट सबको सबका पास होना चाहिए ये ना, एवरी इंडियन शुड हैव दिस। ये देखो वंदे मातरम, दिस इज द ट्राइकलर इंडियन नेशनल फ्लैग, दिस इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ द एंटायर अनबॉक्सिंग एंड दिस इज द मोस्ट रेस्पेक्टेबल आइटम। ओके एंड व्हीकल यूज में डालने के लिए बनाया हुआ है। फिट इसका फिनिशिंग वगैरह बाकी ठीक है, लेकिन यार ये कहीं से भी खादी नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल खादी नहीं है यार। ये तिरंगा ना खादी का बनाना चाहिए पूरा देश में, बाकी मेटल का बनाना ही नहीं चाहिए, खादी 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 बस। ये जो स्टिचिंग्स है इतना लाइन एकदम सही नहीं लगा, एकदम स्ट्रेट हो सकता था, ये कहीं पर थोड़ा सा टेपर्ड हो गया। फिर ये यार जो भी ये अपना वो नेशनल फ्लैग बनाता है वो थोड़ा ये सब चीज़ का ध्यान दीजिए। ठीक है, गाड़ी बाइक में लगाने के लिए डालने के लिए हो जाएगा, नायलॉन टाइप का दिया हुआ है ये वाला, पॉलिस्टर या नायलॉन आइटम होगा कुछ। चलिए इसको अभी पैक करके रख देते हैं, बाकी ठीक है, ओवरऑल ठीक है। मैंने जैसे कहा बस खादी एक्सपेक्ट कर रहा था, खादी का नहीं है ये, बाकी ये चकड़ा जो बहुत सुंदर है, इसका फाइन फिनिशिंग है दोनों तरफ वही है। एक्चुअली ये फ्लैग दो पीस सिला हुआ है, इस तरफ से एक सिल दिया, इस तरफ से एक सिल दिया, और बीच में कुछ दिया हुआ है अंदर में हार्ट। चलिए इसको साइड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया इसका। अगर आपका बाइक वाइक में अगर सॉकेट लगा हो और कुछ मैनुअल बुक टाइप का कुछ दिया हुआ है, बस यही आइटम है। तो ये आपका स्पेगन 65 वाट फास्ट चार्जिंग है। तो ये देखिए 65 वाट, इसमें मेरे ख्याल से 65 वाट इसका लिखा हुआ है, लेकिन इसमें दो पोर्ट है, तो दो पोर्ट में आपका एक में देगा आपका 45, एक में देगा 20, और दोनों सी टाइप है। तो 45 वाट काफ़ी है, लैपटॉप चार्ज हो जाएगा आपका, आईपैड वगैरह चार्ज हो जाएगा और राइट वगैरह में। तो बस ये इसका स्पैगन का, स्पीगन बोलो स्पैजन बोलो जो भी है, तो बस यही है। और फिनिश वगैरह बहुत मतलब कहीं से भी चिप क्वालिटी नहीं लग रहा है। चलो इसका तब तो ठीक है, इसका जैसे मैंने बताया मटेरियल बहुत बढ़िया है और फिनिशिंग वगैरह अच्छा है। अभी मैं बस एक बार गाड़ी में लगा के इसको एक बार टेस्ट करूँगा, तब इसका पूरा पता चल जाएगा। बस इसको भी साइड करते हैं। USB-C टू USB-C चार्जर केबल, द वारंटी कार्ड, द मैनुअल बुक, द ब्यूटीफुल स्टिकर्स बाय बेसस, और आपको वीडियो में बोर नहीं कराऊंगा, इसको रीड करके बस सीधा आइटम देखते हैं। योगे केबल काफ़ी लंबा है, 1 मीटर से भी थोड़ा ज़्यादा है, ये लंबा है। बेसस का यार सस्पेक्टेड स्पैम कॉलिंग ऑफ, तो ओके। ये जो जो फास्ट चार्जर 45 वाट का मैंने जो लिया था उससे तो थोड़ा बड़ा है साइज़ में, और 100 वाट का भी आता है इसी मॉडल में, वीडियोस और इमेज वगैरह देखा था, तो 100 वाट जो आता है इसका साइज़ बड़ा भी है, और प्लस यहाँ पे आपका 3 पिन प्लग लगाने का जगह भी है इधर में, और वही डेस्कटॉप चार्जर जो इससे जो बड़ा वाला है 100 वाट उसमें यहाँ भी 3 पिन वाला है, ये 2 पिन वाला है, 5.5 फिट इसमें लिखा हुआ है, मैनुअल बुक में भी होगा लेंथ। लेट्स सी इन दिस बॉक्स व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दैट, 1 मीटर। और ये चार्जर इटसेल्फ, 4 आपका ये आउटलेट है, 2 USB-A टाइप का है, 2 USB-C है, और यहाँ पे आपका वो वही LED इंडिकेटर का जगह दिया हुआ है, यहाँ लाइट जलना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और बाकी ऐसे होल ऊपर से देखने में सेम टू सेम जो मैंने पहले लिया हुआ था, सेम टू सेम वही है।
45+ 20 मिलेगा आपको प्लस, तो आपका 65 ऐसे हो गया। और अगर तीनों चारों अगर करते हैं चार्जिंग, तब भी मेरे हिसाब से आपका 30 10, ये पता नहीं है, अब मैं इसका चार्ट आपको ये स्क्रीन में दिखा दूंगा अभी। इसका चार्ट ये कुछ इस तरह था। एक ही चीज़ है माइनस इसमें कि आप देखो, इस अगर चारों अगर डिस्ट्रीब्यूट करने से फुल 65 वाट चार्जिंग आपको नहीं मिलेगा। कोई चीज़ अगर इमरजेंसी में चार्ज करना है, एक पॉइंट यूज़ करके तुरंत चार्ज कर लेना, बाकी धीरे से चार्ज करते रहो। Type-C 1, Type-C 2, USB 1, USB 2, ये इसमें आपका 65 वाट यहाँ लिखा हुआ है, Gen 3 Pro डेस्कटॉप फास्ट चार्जर, ये 65 वाट गैन। 100 वाट नहीं, 65 वाट है। चलो ठीक है। हमारा यहाँ ऐसा होता है कभी कभी, वाट वोल्टेज इसका ज़्यादा होने से क्या होता है, वोल्टेज लो जब होगा ना घर का, तो उस टाइम पे वो खींच नहीं पाता है। तो 65 वाट तो काफ़ी है। ठीक है, चलिए। तो दैट्स ऑल फॉर द USB चार्जर। वैसे उसका मैं पूरा डिटेल में इसका जब वीडियो बनाया था तब पूरे डिटेल में बता दिया। तो चार कोर लगाने के बाद